वो स्पष्ट बोलना चाहिए, जो है वो है, जो नहीं है वो नहीं है। इसलिए जो भी अभी मुस्लिम वोट शिवसेना को क्यों गिरना चाहिए, ये देखो बड़े बड़े उलेमाओं के साथ मीटिंग हो गई है आज की, नहीं पिछले एक साल से काम चालू, आपको मालूम होगा बराबर। ठीक है, इलेक्शन का काम अभी कल परसों नहीं शुरू हुआ, पिछले एक साल से देश में ये सब काम चालू, आपके मालूम के लिए जिसको मालूम होगा, जो इसके अंदर काम करते हैं उनको ये मालूम होगा, लेकिन मैं इसमें रहता हूं इसलिए मुझे पता है। पूरे देश के जो लोग डिसीजन लेते हैं मुस्लिम समाज ने के भी, उन्होंने एक बात कही, एक तो वोट इंडिया को देना, नहीं तो एनडीए को देना, ये दोनों छोड़ को जिसको वोट जाएगा वो एनडीए को मदद होने वाली है, याद रखो, भले वो एमआईएम को हो या भले और कोई वंचित हो और कोई पार्टी हो, जो वोट इंडिया को नहीं वो वोट सीधा साधा एनडीए को, नरेंद्र मोदी को मदद है। ये मैं उसके भाई से बात कर रहा हूं, मैं बाकी शिवसेना पद के उनको नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि एक एक सीट यमान चुन के आके कोई देश में पंत प्रधान नहीं बनने वाला उनका, वो इनमें दो आते, वो भी अभी हैदराबाद भी आता क्या नहीं आता, कांग्रेस ने मदद किया तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। दूसरा आता है अपने यहां से, अब इसलिए ये बात इसमें मेन है कि इंडिया छोड़ के वोट करना, ये एक हिसाब से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को मदद है। खैरे साहब ईदगाह पे गए, अरे हिंदू मुसलमान एक नहीं आना चाहिए क्या, आना नहीं चाहिए, वोट गिरेंगे नहीं तो नहीं गिरेंगे अगली बात है, लेकिन हमने साथ में कितने दिन झगड़ते रहने का, झगड़े से किसका फायदा होता है, झगड़े से किसका फायदा होता है। इसलिए उद्धव जी ठाकरे साहब जिस वक्त इस राज्य के सीएम बने थे तो लोगों को लगातार शिवसेना का सीएम बना क्या करेगा, मुसलमानों के खिलाफ क्या कुछ करेगा क्या, मुसलमानों के इस देश में इस राज्य में कैसा होगा, लेकिन नहीं, कोविड हुआ, शिवसेना ने उद्धव जी ने सबको एक जैसा बर्ताव किया, वो हिंदू होगा मुसलमान ने जितना काम धारावी में किया उतना ही काम मालेगांव में किया, याद रखो जितना काम धारावी में किया उतना ही काम मालेगांव में किया, ये उद्धव जी ठाकरे साहब ने किया याद रखो। इसलिए शिवसेना हिंदुत्ववादी है, हम कहते हम कबूल करते हैं, लेकिन शिवसेना का हिंदुत्व घर जलाने वाला नहीं, शिवसेना का हिंदुत्व अपना चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व, ये पहली बार हुआ है। अभी ये क्यों करना चाहिए, ये क्यों करना चाहिए, सिर्फ खैरे साहब चुन के आना इसलिए करना चाहिए, इसमें का ये इश्यू नहीं है। मैं कह रहा हूं पिछले एक साल से ये सब बातें देश में हर गांव गांव में चर्चा चालू है, उसका पहला उदाहरण कर्नाटक के इलेक्शन में हुआ, वहां एमआईएम फिमाइम किसी किसी पार्टी का विचार रखते हुए व्यक्तिगत अगर देखे तो हम हमारे दोस्त है, जाना आना है सबके, शादी में जाना आना है सबका, सबका सबसे रिलेशन है, ये तो सब हम रखते हैं। आने वाले समय में इसका परिवर्तन हम राजकीय स्वरूप से भी करने का हमने प्रयत्न करना चाहिए, आप निश्चित करेंगे ऐसी अपेक्षा रखता हूँ, और मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। ऐसे कहीं मुंबई शहर करने गए और फिर कहीं चकते खाते पीते मस्त भाई के रात भर, तो बहुत सारी जगह में बैठता था और अच्छे बुजुर्ग लोग मुस्लिम समाज के, कुछ मस्जिद में के लोग, अलग अलग लोग अलग अलग जगह मुझे मिला, और जो लोग वो कहते थे उन्होंने ये कहा कि इसके पहले हम शिवसेना को गिराने के लिए जी जान लग, किसी को भी वोट नहीं मिले, उम्मीदवार तक खड़े नहीं थे, इसलिए मैं वो कर रहा हूं कि जो
इंडिया छोड़ के कोई भी पार्टी को मदद अगर करे वो उसमें एमआईएम आएगी और कोई भी आएगा तो वो मदद सीधा सीधा बीजेपी को मदद ही आता है। इसलिए नासिर भाई जो उदय भाव बोले उसका कारण ये है, क्योंकि कुछ लोग